हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2022 के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं एंड साथ में स्टैटिक जीके को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, DY चंद्रचूड़। तो DY चंद्रचूड़ ये 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं और इन्होंने रिप्लेस करा है यू ललित को, जो कि 49th थे। अगर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो इनको अपॉइंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और आर्टिकल 124 क्लोज 2 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं। इनका टेन्योर होता है एज ऑफ 65 ईयर्स, यानी कि अपने 65 साल की उम्र तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने रह सकते हैं। अगर बात करें फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो ये थे हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन। तो विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋतु राज अवस्थी। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ये एक एडवाइजरी बॉडी है टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो इस कमीशन का फंक्शन होता है टू रिसर्च एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल रिफॉर्म। तो अभी चेयरमैन बने हैं 22nd चेयरमैन बने हैं ऋतुराज अवस्थी। अगर बात करें फर्स्ट टाइम लॉ कमीशन कब बनाया गया था, तो 1834 में, एंड फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया ये बना था 1955 में। तो भारत की आज़ादी के बाद पहली बार लॉ कमीशन बना था 1955 में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू FIH प्रेसिडेंट, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो इसके प्रेसिडेंट बने हैं ऑप्शन सी, तैयब इकराम। तो FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका फॉर्मेशन होता है 1924 में एंड हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। तो BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी। तो BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1928 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड सेक्रेटरी है जय शाह। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज US रिप्रेजेंटेटिव ऑन WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो WHO कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, विवेक मूर्ति। तो डॉक्टर विवेक मूर्ति ये इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है, इसलिए इनका नाम याद रखना है। इनको अपॉइंट किया गया है बाई US प्रेसिडेंट जो बाइडन। अगर बात करें WHO की, तो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका फॉर्मेशन होता है 1948 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में एंड डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट है, हु बिकेम फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म। तो जातिवाद पर स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अश्विनी KP। तो इनको अपॉइंट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, UNHRC, ठीक है। अगर बात करें UNHRC की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 2006 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, हु अज्यूम्ड एडिशनल चार्ज एज अ गवर्नर ऑफ मेघालय। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, BD मिश्रा। तो BD मिश्रा ये गवर्नर बने हैं मेघालय के एडिशनल चार्ज के रूप में एंड ये अरुणाचल प्रदेश के भी गवर्नर हैं। तो आपको मेघालय यहाँ पे मिल जाएगा एंड इसकी कैपिटल है शिलोंग एंड चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 10th चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो 10th चेयरमैन बने हैं इसरो के ऑप्शन बी, S. सोमनाथ। तो S. सोमनाथ बिकेम 10th चेयरमैन ऑफ इसरो एंड ये रॉकेट साइंटिस्ट हैं एंड ही बिकेम सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि DOS। अगर बात करें इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन होता है 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है DOS और DOS के सेक्रेटरी बने हैं S. सोमनाथ और चेयरमैन भी है इसरो के, ठीक है। इसरो के 10th चेयरमैन है S. सोमनाथ जी। नेक्स्ट है, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी मनोज सोनी। तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि संवैधानिक निकाय है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 में यूपीएससी के बारे में दिया हुआ है। एंड यूपीएससी का चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स जो हैं इनको अपॉइंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। इनका कार्यकाल यानी कि जो टर्म है ये 6 ईयर्स का होता है या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए राजीव कुमार। तो राजीव कुमार ये 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं। अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो आर्टिकल 324 में दिया हुआ है। एंड इस कमीशन की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि राजीव कुमार हैं एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनका कार्यकाल 6 ईयर्स का होता है या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स। इनको अपॉइंट की जाती है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति। अगर बात करें फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के, तो ये थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी कि CVC। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए प्रमुख बने हैं ऑप्शन बी सुरेश एन पटेल। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि CVC ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है टू एड्रेस द गवर्नमेंटल करप्शन यानी कि जो गवर्नमेंट के करप्शन है उसको एड्रेस करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब बनाया गया था? तो 1964 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। और इस कमेटी को हेड किए थे K. संथानम। और ये जो कमीशन है ये अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपता है एंड प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। अगर बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की तो इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी। तो इस 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन शामिल है? तो प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। और इनका कार्यकाल 4 साल का होता है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकेम 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू ये 15th प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के और ये फर्स्ट ट्राइबल एंड सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के। तो कौन से ट्राइब से हैं? तो 47 ट्राइब से बिलोंग करती है द्रौपदी मुर्मू। इनका जन्म 1958 में हुआ था और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है टू बी बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो ओडिशा के मयूरभंज में। तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, इनके लिए मिनिमम एज होना चाहिए 35 ईयर्स। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है, 53 में द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में दिया हुआ है, 54 में आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है, 56 में जो प्रेसिडेंट का टर्म है कार्यकाल इनके बारे में है, कितना कार्यकाल होता है तो 5 साल का होता है, ठीक है। एंड आर्टिकल 60 में ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट दिया हुआ है। और प्रेसिडेंट को ओथ दिलाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मोस्ट जज के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ सेबी। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए माधवी पूरी बूच। तो सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर है मुंबई में और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF। तो FATF के प्रेसिडेंट बने हैं ऑप्शन बी T. राजा कुमार और ये सिंगापुर से हैं। तो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी है। इसका फॉर्मेशन होता है 1989 में और हेडक्वार्टर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज़ बीन नेम्ड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। तो आंसर है अरविंद वीरमणि। अरविंद वीरमणि ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके हैं। और अदर मेंबर्स कौन हैं नीति आयोग के? तो V. K. सरस्वत, रमेश चंद एंड V. K. पॉल। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी, यानी कि नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ C20, तो C20 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए माता अमृता नंदा मई। ठीक है, तो Civil 20 यानी कि C20 ये एक ऑफिशियल इंगेजमेंट ग्रुप है G20 का। तो अगर बात करें G20 तो हाल ही में G20 2022 में इसको होस्ट करा किसने, तो इंडोनेशिया ने। एंड 2023 का G20 मीटिंग ये होंगे कहाँ पे, तो इंडिया में। तो इंडिया होस्ट करने वाले 2023 में। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ डायरेक्टर ऑफ RBI सेंट्रल बोर्ड। तो जो RBI के सेंट्रल बोर्ड है इसके डायरेक्टर के रूप में किनको नॉमिनेट किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी विवेक जोशी। तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन होता 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांता दास। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन नेम्ड एज प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरोज आदित्य एल मिशन। तो जो इसरो का आदित्य एल मिशन है इसके लिए प्रिंसिपल साइंटिस्ट बने हैं ऑप्शन सी शंकरा सुब्रमण्यन। तो आदित्य L1 ये इंडिया का पहला मिशन है जो सन यानी कि सोलर के जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करने वाले हैं। इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया बाय इसरो और इसको लॉन्च किया जाएगा 2023 को। तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हुआ था 1969 में और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। चेयरमैन तो अभी देख ही लिए एस सोमनाथ है जो कि 10th चेयरमैन है इसरो के। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो रिसेंटली भारत का सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS बने हैं ऑप्शन सी अनिल चौहान जी। तो CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये मिलिट्री हेड होता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स का। और इसका एम है टू इंटीग्रेट द आर्म फोर्सेस ऑफ द कंट्री। जो इंडिया के तीनों जो फोर्सेस है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, इसको इंटीग्रेट करना इसका एम है। और ये जो पोजीशन है CDS का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, इसकी अनाउंसमेंट करी थी PM मोदी ने 15 अगस्त 2019 को। एंड फर्स्ट CDS बने थे जनरल बिपिन रावत और इनका हाल ही में निधन हो गया है एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। और इस हेलीकॉप्टर का नाम है Mi-17V5 और ये एक रशियन बिल्ट हेलीकॉप्टर था। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC। तो INC के नए प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन सी मल्लिका अर्जुन खड़गे। तो मल्लिका अर्जुन खड़गे ये कर्नाटका से हैं और ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इन्होंने रिप्लेस करा है सोनिया गांधी को। INC तो INC का फॉर्मेशन हुआ था बॉम्बे में 1885 में और फाउंडर कौन है, तो A.O. ह्यूम। फर्स्ट प्रेसिडेंट है W.C. बनर्जी एंड फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है C.V. आनंद बोस अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो C.V. आनंद बोस को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल। तो गवर्नर यानी कि राज्यपाल की अपॉइंटमेंट की जाती है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 153 टू 167 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में दिया हुआ है स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में, जिसमें आते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड स्टेट एडवोकेट जनरल। ठीक है, एंड आर्टिकल 153 में दिया हुआ है देयर शिल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट, यानी कि हर एक स्टेट के लिए एक गवर्नर यानी कि राज्यपाल होंगे। आर्टिकल 154 में दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शिल बी वेस्टेड इन गवर्नर, यानी कि जो भी स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस में निहित होंगे, तो गवर्नर में। आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट दिया हुआ है। 156 में टर्म यानी कि कार्यकाल 5 साल का होता है गवर्नर का। ठीक है, 157 में क्वालिफिकेशन, 159 में ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नमेंट गवर्नर, 161 में पार्डन यानी कि क्षमादान जो गवर्नर का है 161 में दिया हुआ है। एंड जो गवर्नर का ऑर्डिनेंस होते हैं, जो गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी करते हैं यानी कि अध्यादेश, वो आर्टिकल 213 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि CGA। तो आंसर है ऑप्शन बी भारती दास। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं। तो CGA ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी कि भारत सरकार के एक प्रधान लेखा सलाहकार होते हैं। एंड वहीं पे अगर बात करें CAG की यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 158 से लेकर 151 तक आते हैं CAG। ठीक है, एंड प्रेजेंट टाइम CAG है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी DY चंद्रचूड़, जो कि 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है। तो नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन होता है 9 नवंबर 1995 में अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1987। और इसका पर्पस है टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन एंड ऑर्गेनाइज लोक अदालत। तो लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना और फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना वीकर सेक्शंस को, इसलिए नालसा का फॉर्मेशन किया गया था 1995 में। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए R वेंकट रमनी। तो R वेंकट रमनी न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है, जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया के, और इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ सांसद TV। तो आंसर है ऑप्शन डी उत्पल कुमार सिंह। तो सांसद TV इसका फॉर्मेशन हुआ था मार्च 2021 में बाय मर्जिंग लोकसभा TV एंड राज्यसभा TV। तो लोकसभा TV और राज्यसभा TV को मिलाकर सांसद TV बनाया गया है, और सांसद TV के CEO बने हैं उत्पल कुमार सिंह एंड फर्स्ट CEO थे रवि कपूर। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए MN भंडारी। तो MN भंडारी बिकेम चेयरमैन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002। तो 2016 में, ठीक है, अंडर फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016। तो 2016 में ट्रिब्यूनल फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति की जब्ती अंडर SAFEMA यानी कि स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट, ठीक है, एंड PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल, इन दोनों को 2016 में मर्ज कर दिया गया था थ्रू फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। तो आंसर है ऑप्शन ए सुजोय लाल थाउसेन। कुछ न्यू अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं। तो सुजोय लाल थाउसेन ये डायरेक्टर जनरल बने हैं CRPF के। अनीस दयाल सिंह ये डायरेक्टर जनरल बने हैं ITBP के, ठीक है। तो CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फॉर्मेशन हुआ था 1939 में, और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। एंड ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1962 में। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो आंसर है ऑप्शन ए कल्याण चौबे। तो ये गोलकीपर थे, फॉर्मर इंडियन गोलकीपर, ये न्यू AIFF प्रेसिडेंट बने हैं। तो AIFF इसका फॉर्मेशन होता है 1937 में, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो मानव अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर है ऑप्शन ए वोल्कर तुर्क। और ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स इसकी हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। फॉर्मेशन हुआ था 1993 में। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ESIC डायरेक्टर जनरल, तो आंसर है ऑप्शन ए राजेंद्र कुमार। तो ESIC यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। नेक्स्ट है हु बिकेम द न्यू G20 शेरपा, तो हाल ही में G20 शेरपा कौन बने हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन ए अमिताभ कांत, एंड इससे पहले थे पीयूष गोयल जी। तो एक्स नीति आयोग CEO अमिताभ कांत बिकेम न्यू G20 शेरपा, और ये रिप्रेजेंटेटिव हेड होंगे इंडिया के जो G20 समिट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो G20 इसका फॉर्मेशन हुआ था 1999 में। इसमें मेंबर्स की बात करें तो 19 कंट्रीज मेंबर हैं प्लस यूरोपियन यूनियन। 2023 में होस्ट करने वाले इंडिया, और ये 18th समिट होंगे G20 का। ठीक है, तो इंडिया ने रिसेंटली लोगो एंड थीम को लॉन्च करा है G20 के लिए 2023 के लिए। तो लोगो है लोटस यानी कि कमल का फूल, थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एंड अगर बात करें 2022 में इसको होस्ट करा था इंडोनेशिया ने, एंड 2024 में होस्ट करने वाले हैं ब्राज़ील। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो आंसर है ऑप्शन ए इंद्रमित गिल। तो वर्ल्ड बैंक इसका फॉर्मेशन हुआ था 1994 में, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नीति आयोग, तो आंसर है ऑप्शन सी परमेश्वरन अय्यर। तो नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के। चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम, मतलब जो नीति आयोग है, नीति आयोग के चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, एंड प्रेजेंट टाइम है PM मोदी। ठीक है, वाइस चेयरमैन है अभी सुमन बेरी। नेक्स्ट है who has been appointed as next permanent representative of India to the United Nations, तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगला अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन D रुचिरा कंबोज, और इन्होंने रिप्लेस करा है TS त्रिमूर्ति को। तो यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो फॉर्मेशन हुआ था 1945 में, हेडक्वार्टर है USA के न्यूयॉर्क में, एंड सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ CBSC, तो CBSC के चेयरपर्सन यानी कि चेयरमैन अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन बी निधि छिब्बर। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी के वाइस चीफ कौन बने हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी BS राजू। तो कुछ डिफेंस अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं। तो 29th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ये बने हैं मनोज पांडे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है प्रेजेंट टाइम R हरि कुमार, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है संजय महेंद्रू, चीफ ऑफ एयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी, एंड वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है संदीप सिंह, एंड रिसेंटली न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के VS पठानिया। नेक्स्ट है हु बिकेम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन सी पियर ओलिवियर गोरेंचस। तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फॉर्मेशन होता है 1945 में, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में, एंड गीता गोपीनाथ जो कि इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट हैं, and she became the first deputy managing director of IMF's management team। तो IMF का जो मैनेजमेंट टीम है इसके फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट है who has been appointed as new principal scientific advisor, तो हाल ही में नए सिद्धांत वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन A.K. सूद। तो PSA यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, ये चीफ एडवाइज़र होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू साइंटिफिक पॉलिसी, एंड फर्स्ट PSA थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है who has been appointed as chairperson of high powered committee on चारधाम प्रोजेक्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाई पावर कमेटी के लिए जो चारधाम प्रोजेक्ट के हाई पावर कमेटी है इसके लिए चेयरपर्सन बनाए गए हैं ऑप्शन बी ए के सिकरी को। तो चारधाम प्रोजेक्ट इसमें 900 किलोमीटर रोड्स के कंस्ट्रक्शन शामिल है एंड इट विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 4 होली टाउन्स ऑफ उत्तराखंड। कौन कौन से हैं? तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। तो ये 4 होली टाउन्स है जिसमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाएगा अंडर चारधाम प्रोजेक्ट। तो इसी के लिए जो चेयरपर्सन बनाए गए हैं हाई पावर कमेटी के वो बने हैं ए के सिकरी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो IBBI के चेयरमैन बने हैं ऑप्शन बी रवि मित्तल। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा और इनका टेन्योर होगा 5 साल का या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स। तो अपने 65 साल की उम्र तक ये IBBI के चेयरमैन बने रहेंगे। तो IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2016 में और इसको सेटअप किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। और ये जो बोर्ड है ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट्स करता है यानी कि ये दिवाला पेशेवरों को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए वीनी महाजन। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी कि जल शक्ति मंत्रालय, इस मंत्रालय को क्रिएट किया गया था 2019 में बाय मर्जिंग 2 मिनिस्ट्रीज़। तो ये मिनिस्ट्रीज़ कौन कौन से हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो इन दोनों को मिलाकर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाया गया है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has been appointed as new chairman and CEO of Railway Board? तो आंसर ऑप्शन बी विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट है Who has been appointed as vice president of AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो आंसर ऑप्शन ए उर्जित पटेल जो कि फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं RBI के। तो AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इस बैंक का फॉर्मेशन हुआ था 2016 में और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, हेडक्वार्टर है चाइना की कैपिटल बीजिंग में एंड प्रेसिडेंट है जिन लिकून जो कि चाइना से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हु बिकेम न्यू CEO ऑफ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आंसर ऑप्शन सी विनायक गोडसे। तो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक प्रीमियर इंडस्ट्री बॉडी है जिसकी स्थापना की गई थी बाय नेस्कॉम। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू UNFCCC एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। तो आंसर है ऑप्शन ए साइमन स्टील। तो UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके हेडक्वार्टर है जर्मनी के बोन में। नेक्स्ट है हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ द CSIR। तो हाल ही में CSIR के फर्स्ट वुमेन चीफ कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन सी नल्ला थम्बी कले सेल्वी। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has been appointed as Director General of NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी दिनकर गुप्ता। तो NIA इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, फॉर्मेशन हुआ था 2008 में। नेक्स्ट है Who became the 11th Director General of International Labour Organization यानी कि ILO। तो आंसर होगा ऑप्शन बी गिलबर्ट होंगबो। तो ILO इसका फॉर्मेशन हुआ था 1919 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ AAEA, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो इंडिया को रिसेंटली AAEA यानी कि एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ में नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है फॉर 2022 टू 2024। तो इसकी स्थापना की गई थी 1998 में और इसका एम है टू प्रमोट ओपन ट्रांसपेरेंट एंड फ्री इलेक्शन। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कैंपबेल विल्सन। तो कैंपबेल विल्सन बिकेम द MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया इसका फॉर्मेशन हुआ था 1932 में एंड रिसेंटली ऑनर बना है इसका टाटा ग्रुप्स, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए जी अशोक कुमार। तो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NMSC, ठीक है। ये जो NMSC है ये वर्क्स करता है अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एंड प्रेजेंट टाइम कौन है NSA तो अजीत डोभाल जी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ IRDAI, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन बी देवाशीष पांडा। तो IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है। फॉर्मेशन हुआ था 1999 में और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, ठीक है। तो IRDAI इसके चेयरमैन बने हैं देवाशीष पांडा। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रघुवेंद्र तंवर। तो ICHR ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान एंड हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके बाद वॉल लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जय वाई ली ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के। VR कृष्णा गुप्ता ये एक एडिशनल चेयरमैन बने हैं BPCL के यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेट लिमिटेड के। नेक्स्ट है सुब्रकांत पांडा ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के। KB कामत ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। नेक्स्ट है किशोर के बसा ये चेयरमैन बने हैं नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के। गोपाल वित्तल बिकेम डिप्टी चेयर ऑफ GSMA यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन जिसकी हेडक्वार्टर है लंदन में। जॉन गोल्डन ये CEO बने हैं एडिडास के। रमेश केजरीवाल ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। नेक्स्ट है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से हैं, इनको रीइलेक्ट किया गया एज अ चेयरमैन ऑफ ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसकी हेडक्वार्टर है दुबई में। रिसेंटली नवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी। सूरज भान ये चेयरमैन बने हैं NPS ट्रस्ट यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के। नेक्स्ट है संध्या देवनाथन ये मेटा इंडिया जो पेरेंट है फेसबुक के, इसके हेड बने हैं। नेक्स्ट है ज्ञानी इन्फेंटिनो, ठीक है। ये थर्ड टाइम फीफा के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अरुण कुमार सिंह बिकेम द चेयरमैन ऑफ ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अरुण गोयल हाल ही में ये न्यू इलेक्शन कमिश्नर बने हैं इंडिया के एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है तो राजीव कुमार 25th हैं। नेक्स्ट है सूर्या कुमार ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अर्बन गबरू के। नेक्स्ट है विनीत कुमार हाल ही में ये CEO बने हैं KVIC के यानी कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन के। रिसेंटली परसुन जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तराखंड का। अनिल कुमार जो कि ISRO के साइंटिस्ट हैं ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के जो कि पेरिस में लोकेटेड है। ललित भसीन ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के। संजीव किशोर को बनाया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ए बाला सुब्रमण्यन ये चेयरमैन बने हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI, ठीक है। नेक्स्ट है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन, ये होल टाइम मेंबर बने हैं सेबी के। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड सेबी के चेयरमैन बने हैं माधबी पुरी बूच, ठीक है, याद रखिएगा। अपूर्वा श्रीवास्तव बिकेम इंडियाज़ एम्बेसडर टू स्लोवेकिया, ठीक है। नेक्स्ट है अरुण बंसल बिकेम द CEO ऑफ अडानी एयरपोर्ट्स, और कौस्तुभ कुलकर्णी ये हेड बने हैं JP Morgan इंडिया के, जो JP Morgan बैंक है, तो JP Morgan इंडिया के हेड बने हैं कुलकर्णी जी। नेक्स्ट है विनोद कन्नन, ये CEO बने हैं विस्तारा एयरलाइंस के। पुष्प कुमार जोशी ये चेयरमैन बने हैं HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के, जिसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। दिलीप संघानी ये इफ़को के चेयरमैन बने हैं, ठीक है। इफ़को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉपरेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है शांति श्री दुलीपुड़ी पंडित, ये फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बनी है JNU की, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है जगदीप कुमार, ये चेयरमैन बने हैं UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के। शांति सेठी ये इंडियन अमेरिकन है, ठीक है। इनको रिसेंटली डिफेंस एडवाइज़र बनाया गया है कमला हैरिस के, जो कि USA के वाइस प्रेसिडेंट है। जी अशोक कुमार ये डायरेक्टर जनरल बने हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के। नटराजन सुंदर ये MD एंड CEO बने हैं NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के, जो कि रेगुलेट करता है, जो बेड बैंक है ना, मतलब ये एक बेड बैंक के तरह काम करेगा, जो बेड लोन होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है तपन कुमार डेका, ये डायरेक्टर बने हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। एकनाथ शिंदे हाल ही में ये चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं महाराष्ट्र के। डॉक्टर S. राजू डायरेक्टर जनरल बनाया गए हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। रोबर्टा मेटसोला ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनी है यूरोपियन पार्लियामेंट की। YS जगन मोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, और ये लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बन चुके हैं YSRC जो पार्टी है इसके, ठीक है। नेक्स्ट है राजेश वर्मा, ये सेक्रेटरी बने हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के, जो कि 15th प्रेसिडेंट है इंडिया के। अल्केश शर्मा बिकेम हाई लेवल यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑन इंटरनेट गवर्नेंस फ्रॉम इंडिया, ठीक है। मतलब अल्केश शर्मा को अपॉइंट किया गया है टू द हाई लेवल यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑन इंटरनेट गवर्नेंस फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट है राजेंद्र कुमार, ये डायरेक्टर जनरल बने हैं ESIC यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के। गोपाल वित्तल MD एंड CEO बने हैं एयरटेल के। तरुण कपूर ये एडवाइज़र बने हैं PM नरेंद्र मोदी के। मोहिंदर के मीधा ये फर्स्ट दलित फीमेल मेयर बनी है लंदन काउंसिल में। विनय कुमार सक्सेना ये न्यू LG बने हैं कहाँ के, तो दिल्ली जो UT है यहाँ के नए LG है विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। टेड्रोस अधानोम ये डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब इनको दोबारा चुना गया है, एंड WHO की हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। राहुल नरवेकर बिकेम द यंगेस्ट स्पीकर इन इंडिया, और ये महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने हैं। केतनजी ब्राउन जैक्सन बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ USA सुप्रीम कोर्ट। आशीष कुमार चौहान बिकेम द MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE। मोहम्मद जलूद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जिसकी हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है सत्येंद्र प्रकाश बिकेम द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB, ये एक न्यूज़ पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट है अगस्त्य तानो कौमे, इनको अपॉइंट किया गया एज अ वर्ल्ड बैंक्स कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। श्वेता सिंह बिकेम डायरेक्टर इन पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। आकाश अंबानी ये रिलायंस जियो के न्यू चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट है देवाशीष मोहंती, ये ओडिया साइंटिस्ट थे। इनको अपॉइंट किया गया एज अ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी कि एनआईआई। एंड एनआईआई ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इसकी स्थापना की गई थी अंडर डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। के सुब्रमण्यन ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं फॉर इंडिया एट आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आईएमएफ की हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। महेंद्र शाह ये एमडी एंड सीईओ बने हैं आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड के, ठीक है। नेक्स्ट है जेवियर ओलिवियन, ये न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं मेटा फेसबुक के, ठीक है। ए मनी मेखाली बिकेम एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। सौरभ कुमार साहा बिकेम द एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक जिसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एमएस धोनी ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एक ड्रोन स्टार्टअप गरूर एरोस्पेस के और ये कहाँ पे स्थित है तो चेन्नई में। आरती प्रभाकर ये साइंस एडवाइज़र बने हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो बाइडन है भी, ठीक है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई बिकेम द न्यू चीफ ऑफ पीसीआई यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। नितिन गुप्ता ये न्यू चेयरमैन बने हैं सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। सीबीडीटी इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, ठीक है। विनय क्वात्रा ये फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। एसएस मुंडा ये चेयरमैन बने हैं बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। सामंत कुमार गोयल इनको रिसेंटली रीअपॉइंट किया गया एज अ चीफ ऑफ रो यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। AR रहमान ये एम्बेसडर बने हैं इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म सीजन ऑफ द कल्चर के। नेक्स्ट है एनजे ओझा अपॉइंटेड एज मनरेगा ओम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल। आलोक कुमार चौधरी ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। मनोज कुमार कटियार ये डायरेक्टर जनरल बने हैं मिलिट्री ऑपरेशन के। रंजित रथ चेयरमैन एंड MD बनाए गए हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के। TS रामाकृष्णन ये MD एंड CEO बने हैं LIC म्यूचुअल फंड के। राकेश शर्मा MD एंड CEO ऑफ IDBI बैंक। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम, ये प्रेसिडेंट बने हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट है संजीव कपूर ये CEO बने हैं जेट एयरवेज के। शशि सिन्हा ये चेयरमैन बनाए गए हैं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार्क के। दिनेश प्रसाद सकलानी ये डायरेक्टर बने हैं NCERT के। वी अनंत नागेश्वरन ये न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। हर्षवर्धन श्रृंगला ये इंडिया के चीफ G20 कोऑर्डिनेटर बने हैं। कृष्णन रामानुजन, ठीक है, ये चेयरमैन बनाए गए हैं नेस्कॉम के यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी के। नेक्स्ट है सुएला ब्रेवरमन ये इंडियन ओरिजिन है, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ यूके होम सेक्रेटरी, ठीक है। संजय वर्मा हाल ही में इनको नेक्स्ट हाई कमिश्नर बनाया गया है इंडिया टू कनाडा, ठीक है। यमुना कुमार चौबे CMD बने हैं NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के। नेक्स्ट डॉक्टर राजीव बहल ये डायरेक्टर जनरल बने हैं ICMR के। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। पीटर एल्बर्स ये न्यू CEO बने हैं इंडिगो के। दिनेश कुमार बात्रा CMD बने हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसकी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। संजय खन्ना हाल ही में ये CEO बने हैं अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन इंडिया के, ठीक है। दिलीप तिर्के हाल ही में ये प्रेसिडेंट बने हैं हॉकी इंडिया के, ठीक है। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF।